नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल शर्मा बस्टर्ड टेक में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जो अक्सर रोड ट्रिप करते रहते हैं। दोस्तों अगर आप किसी अपने व्हीकल कार या बस से जा रहे हैं तो अक्सर आप किसी ट्रिप पर जाने से पहले उसमें होने वाले एक्सपेंस को जरूर नोट करते हैं। आप एक बजट बनाते हैं कि कितने का पेट्रोल या डीजल लग जाएगा, कितने का होटल का खर्चा हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, इम्पॉर्टेंट खर्चा होता है, वो है आपके रास्ते में पड़ने वाले टोल बूथ पर दिए जाने वाले टोल टैक्स का। जी हाँ दोस्तों, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर किसी डेस्टिनी पर किसी ट्रिप पर जा रहे हैं बाय रोड तो उसमें कितने टोल बूथ से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये जो जानकारी है आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं खुद अपने लैपटॉप या पीसी में या फिर मोबाइल में भी। आप जस्ट अपना कहाँ से चल रहे हैं और कहाँ की तरफ जा रहे हैं ये एंटर करके आप उस हाईवे पर पड़ने वाले सभी टोल बूथ का पता लगा सकते हैं कि कितने टोल बूथ आपकी टोटल जर्नी में पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसके लिए बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको ऑनलाइन गूगल पर सबसे पहले जाना होगा। आप अपने ब्राउज़र में जाएं, सबसे पहले ब्राउज़र में जाने के बाद आपको गूगल पर जस्ट सर्च करना होगा टोल प्लाजाज ऑन मैप, ठीक है, और उसके बाद NHAI, ठीक है, टोल प्लाजाज ऑन मैप NHAI, इसको लिखकर आप गूगल पर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपके ऊपर NHAI लिखने से क्या होगा, सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी वो आएगी NHAI की। आप ये लिंक देख सकते हैं tis.nhai.gov.in और उसके बाद टोल प्लाजाज ऑन मैप, ठीक है। NHAI जो है उसकी फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप जस्ट इस लिंक को क्लिक करके ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करके ओपन करता हूँ इस लिंक को। आप देख सकते हैं प्रोसेसिंग हो चुकी है और ये वेबसाइट डायरेक्ट ओपन हो गई है सेम, ठीक है। यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, होम, अबाउट अस, टोल प्लाजाज, ठीक है, यूजर रिसोर्सेज, FAQs, कॉन्टैक्ट अस, और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैप लोड हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास कुछ साइंस आ रहे हैं, पब्लिक फंडेड, ऑरेंज साइन, BOT, ब्लू साइन, OMT, आपका वायलेट साइन आ रहा है, और ब्रिजेस आपका ब्राउन साइन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये मैप जब लोड हो जाएगा तो आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बटन आपको मिलेंगे, टोल प्लाजा बिटवीन टू स्टेशन और सर्च टोल प्लाजा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप लोड होने के बाद इस तरह नजर आएगा, ठीक है। सर्च टोल प्लाजा में आप डायरेक्ट उस पर्टिकुलर टोल प्लाजा का नेम डाल सकते हैं जो अगर आपको कोई टोल प्लाजा का नेम पता है, अदरवाइज आप यहां पर डेस्टिनेशन और सोर्स यहां पर डाल सकते हैं, कहां से चल रहे हैं सोर्स और कहां की तरफ जा रहे हैं डेस्टिनेशन में डालेंगे। सपोज आप जा रहे हैं दिल्ली, ठीक है, दिल्ली, और आप यहाँ से अपना जो पर्टिकुलर जहाँ से आप निकलेंगे दिल्ली से, न्यू दिल्ली से अगर निकल रहे हैं तो न्यू दिल्ली आप सेलेक्ट कर लेंगे, और दिल्ली से आप निकल रहे हैं तो दिल्ली आप सेलेक्ट कर लेंगे। दिल्ली से आप जा रहे हैं सपोज जयपुर की तरफ, जयपुर की तरफ जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जयपुर काफ़ी सारी बता रहा है अलग अलग स्टेट में। अगर आप राजस्थान वाले जयपुर की तरफ आप जा रहे हैं तो आप राजस्थान जयपुर आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट मोड ऑफ ट्रेवल, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कार, जीप या वैन से जा रहे हैं तो आप कार, जीप या वैन आप सिलेक्ट कर दीजिए। बस ट्रक से जा रहे हैं तो बस ट्रक, LCV से जा रहे हैं तो LCV, अप टू 3 एक्सल व्हीकल और 4 to 6 एक्सल व्हीकल, ये अलग अलग व्हीकल टाइप हैं। तो आप जिस भी व्हीकल से आप जा रहे हैं, जो आप ट्रिप पर जा रहे हैं या फिर कुछ सामान लेकर जा रहे हैं, तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। सपोज मैं कार से जा रहा हूँ दिल्ली टू जयपुर, तो मैं यहाँ पर कार, जीप या वैन सेलेक्ट कर देता हूँ, और जैसे ही यहाँ पर मैं सर्च बटन क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोल प्लाजा इस पूरे रास्ते में पड़ेंगे, ठीक है, खेर की दौला, शाहजहाँपुर, मनोहरपुरा और दौलतपुर।
ये यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आ रही है 280 किलोमीटर की, टोटल टाइम यहाँ पर आ रहा है 4 घंटे 56 मिनट, और ये टोल्स के नाम हैं और ये इन पर लगने वाला टैक्स है। इस टोल प्लाजा पर आपका इतना टैक्स लगेगा 65 रुपीज़, शाहजहाँपुर पे आपका 125 रुपीज़ टैक्स लगेगा, मनोहरपुरा 60 रुपीज़ और दौलतपुरा 300। सपोज़ एक और हम चेक करते हैं, अगर आप दिल्ली टू सपोज़ मुंबई अगर आप जाते हैं, ठीक है मुंबई अगर आप जाते हैं और आप फिर सर्च करते हैं कार से, अगर आप सपोज़ सर्च करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास दिल्ली से मुंबई के पूरे रास्ते की, पूरे हाईवे की यहाँ पर मेरे पास रिपोर्ट आ चुकी है कि कितना टोल मेरा लग जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ है और अलग अलग रेट लगते लगाते टोटल टोल जो चार्जेस मेरे लग जाएंगे, टोटल टोल जो चार्जेस मेरे लग जाएंगे वो हैं 1315 रुपये, 1315 रुपये मेरे दिल्ली से मुंबई एक तरफ ट्रिप में इतना चार्जेस मेरा लग जाएगा। मैप की बात करें तो आप मैप पर आप इजीली देख सकते हैं A to B, ठीक है ये आपकी सोर्स डेस्टिनेशन यानी कि दिल्ली से आप चले और मुंबई की तरफ चले तो आपको बीच में ब्लिंक करते हुए साइन नज़र आ रहे हैं, यही आपके टोल टैक्स हैं। ठीक है आप किस कंपनी ने इस टोल को ले रखा है ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ रहा है देखिए खेर की दौला मैजर्स मिलेनियम सिटी एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है इस तरीके से आप पूरी जानकारी यहाँ पर हर एक पर्टिकुलर टोल की ले सकते हैं। ठीक है पर्टिकुलर टोल की अगर आपने जानकारी लेनी चाहिए, अगर जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक करा खेर की दौला पर क्लिक करा तो यहाँ पर पर्टिकुलर इस टोल पर बता रहा है कि कार जीप का 65 रुपीज़, LCV का 95 रुपीज़। ठीक है टोटल आपके हर चीज़ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, तो जस्ट आपको अगर किसी ट्रिप पर जाना है उससे पहले अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि कितना मेरा टोल का खर्चा आ जाएगा, टोल टैक्सेस का जो खर्चा मेरा आ जाएगा तो आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों जानकारी छोटी सी, अगर आप ट्रिप पर जाते रहते हैं अपने व्हीकल से, अपने ऑन व्हीकल से, कार हो चाहे वो बस हो चाहे जीप हो चाहे वैन हो, तो आप पता लगा सकते हैं कितना आपका बजट एक्सपेंड हो सकता है टोल चार्जेस को लेकर। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपको ये जानकारी कैसी लगी, और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। We'll be right back.